हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, और इसमें बहुत सारे आपको नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है ऑलवेज स्टे अलर्ट। ऑलवेज हमेशा, स्टे अलर्ट मीन्स होता है सतर्क रहना, सतर्क रहे। ऑलवेज स्टे अलर्ट, हमेशा सतर्क रहें। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स होता है एक बार की बात है। देयर वॉज अ लाइन, अब देयर का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पर किया गया है, इसका हम मीनिंग नहीं निकालते हैं, ये इज अ डमी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। देयर वॉज अ लाइन, एक शेर था, वॉज ये पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, एक शेर था, ए आर्टिकल है जो किसी भी नाउन का पहला लेटर कंसोनेंट होता है तो उसे पहले आर्टिकल ए लगता है, ठीक है। दैट ग्रू सो ओल्ड, दैट जो, ग्रू मीन्स होता है ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रू होता है, ठीक है। ग्रू मीन्स होता है बढ़ना, लेकिन ग्रू सो ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा हो गया, ठीक है, जो बूढ़ा हो गया, जो बूढ़ा हो गया। दैट जिससे, ही वॉज अनेबल टू किल एनी प्रे फॉर हिज फूड, वह था असक्षम, अनेबल मीन्स असक्षम, असक्षम टू किल मारने में, एनी कोई, प्रेमी शिकार, यहाँ पे सब्जेक्ट ये ही है, ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्स का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगर प्लुरल होता तो वर होता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ लाइन, एक शेर था, दैट ग्रू सो ओल्ड, जो बूढ़ा हो गया, दैट जिससे, दैट मीन्स जिससे कि, जो, ये सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग निकालते, ठीक है। ही वॉज अनेबल टू किल एनी प्रे फॉर हिज फूड, वह असक्षम था कोई शिकार मारने में, फॉर हिज फूड अपने भोजन के लिए। सो इसलिए ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा, टू हिमसेल्फ मीन्स खुद। अब देखिए ये सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेड ये सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। टू हिमसेल्फ ये जो है ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हिमसेल्फ। He said to himself, उसने खुद को कहा, I must do something to stay my stomach else. मुझे, must means होता है जरूर चाहिए, ठीक है, मुझे जरूर, do something कुछ करना चाहिए, something means कुछ, do means करना, कुछ करना चाहिए, मस्ट मीन्स क्या आता है, जरूर चाहिए, ठीक है, मस्ट मीन्स जरूर चाहिए। आई मस्ट डू समथिंग, मुझे जरूर कुछ करना चाहिए, टू स्टे माई स्टोमक एल्स, टू स्टे मीन्स होता है बने रहने के लिए, माई स्टोमक मेरे पेट को, बने रहने के लिए मेरे पेट को, भरे रहने के लिए, मेरे पेट को भरने के लिए। स्टोमक मीन्स, इसे स्टोमक पढ़ा जाता है, ठीक है, स्टोमक इज पेट। एल्स, एल्स मीन्स वरना। आई मस्ट डू समथिंग टू स्टे माई स्टोमक एल्स, मुझे जरूर कुछ करना चाहिए मेरे पेट भरने के लिए, एल्स वरना आई विल डाई। ये सब्जेक्ट है
ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, बिल मीन्स गाएगी, वरना मैं डाई मीन्स मरना, मर जाऊंगा। ऑफ स्टारवेशन, ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, ठीक है, भूखमरी से, ऑफ मीन्स से। आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन, मैं भूखमरी से मर जाऊंगा। ही केप्ट थिंकिंग, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट, वह सोचता रहा। एंड और थिंकिंग, सोच रहा, सोच रहा था। ही केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, वह सोचता रहा और सोच रहा था। एंड और एट लास्ट, अंत में, एन आइडिया क्लिक्ड हिम, एक विचार क्लिक उसे हुआ, उसे एक विचार क्लिक हुआ। एंड और एट लास्ट एन आइडिया क्लिक्ड हिम, अंत में उसे एक विचार क्लिक हुआ, एक विचार आया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, टू लाई डाउन इन द केव प्रिटेंडिंग टू बी इल, एंड टू लाई डाउन, लेटने, लेटने के लिए, लेटने का, इन द केव प्रिटेंडिंग, गुफा में दिखावा के लिए, केव मीन्स गुफा, गुफा इन मीन्स में, प्रिटेंडिंग मीन्स होता है नाटक करना, दिखावा करना, ठीक है, दिखावा के लिए। बी इल, बीमार होकर, बी मीन्स होना, बनना, ठीक है, बीमार होकर। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू लाई डाउन इन द केव प्रिटेंडिंग टू बी इल, लेटने का गुफा में दिखावा के लिए बीमार होकर। एंड और हु सो एवर, ये हाइफन नहीं होगा, ठीक है, हु सो एवर, हु सो एवर मीन्स होता है जिसे कोई भी, जिसे कोई भी, विल कम, आएगा, बिल गागेगी, ठीक है, कम मीन्स आना, टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, टू इंक्वायर, टू इंक्वायर पूछने, अबाउट हिज हेल्थ के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, हिज हेल्थ अपने स्वास्थ्य के बारे में, विल बिकम बनेगा, बिल मिस गागेगी, बिकम मिस बनना, बनेगा हिज प्रे, अपना या उसका शिकार, शेर का शिकार, ठीक है। एंड और देन, तब, एंड और देन तब, हु सो एवर विल कम टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ विल बिकम हिज प्रे, तब जिसे, जिसे कोई भी पूछने आएगा अपने स्वास्थ्य के बारे में, बनेगा अपना शिकार, द ओल्ड, बनेगा अपना शिकार या फिर उसका शिकार, यदि शेर कहता है तो अपना के लिए प्रयोग होगा, अगर हम लोग कहते हैं तो उसे, उसके के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। द ओल्ड लायन पुट हिज फिक्स्ड प्लान इनटू प्रैक्टिस, बूढ़ा शेर पुट रखा हिज विक्ट प्लान, अपना दुष्ट योजना,
इनटू प्रैक्टिस, अभ्यास में। इनटू का प्रयोग किया जाता है मोशन के लिए, मे के मे में, ठीक है, अभ्यास में। एंड और द ओल्ड लायन पुट हिज फिक्स्ड प्लान इनटू प्रैक्टिस, बूढ़ा शेर दुष्ट योजना अभ्यास में अपना रखा। एंड और इट स्टार्टेड वर्किंग, ये स्टार्टेड शुरू किया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, इट सब्जेक्ट और स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, ये शुरू किया वर्किंग काम करना। इट स्टार्टेड वर्किंग, ये काम करना शुरू किया। मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड, कई उसके वेल विशर्स मीन्स होता है शुभचिंतक, शुभचिंतक गॉट किल्ड, मारे गए। जो शेर था वो गुफा में नाटक करके क्या हुआ, लेट गया, जो क्या हम बीमार है, और जितना भी जानवर आता वो खाते जाता। मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड, कई शुभचिंतक उसके मारे गए। बट लेकिन इविल इज शॉर्ट लिव्ड, इविल बुराई है शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालीन। बट लेकिन इविल इज शॉर्ट लिव्ड, बुराई अल्पकालीन है या अल्पकालीन होता है। वन डे, एक दिन, द फॉक्स केम टू विजिट द अलाइंग लाइन, एक लोमड़ी केम आया, एक लोमड़ी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये केम जो है ये भाव का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब है, ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। एक लोमड़ी आया टू विजिट द अलाइंग लाइन, अलाइंग मीन्स होता है बीमार शेर से, विजिट मीन्स मिलना, मिलने। अ फॉक्स केम टू विजिट द अलाइंग लाइन, एक लोमड़ी बीमार शेर से मिलने आया। एज फॉक्सेस आर क्लीवर बाय नेचर, जैसे लोमड़ी आर हैं क्लीवर, चलाक, बाय नेचर प्राकृतिक रूप से, जिसे आप कह सकते हैं शुरुआती से, एज फॉक्सेस आर क्लीवर बाय नेचर, जैसे लोमड़ी प्राकृतिक रूप से चालाक हैं। द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव, लोमड़ी, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टूड मीन्स खड़ा रहा, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। एट द माउथ, मुंह पर, किसके मुंह पर, तो ऑफ द केव, गुफा के मुंह पर। गुफा के मुंह पर। एंड और द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव, लोमड़ी खड़ा रहा गुफा के मुंह पर। एंड और लुक्ड अबाउट, लुक्ड अबाउट मीन्स होता है चारों तरफ देखना, चारों तरफ देखा। हिज सिक्स्थ सेंस वर्क्ड, उसका छठा सेंस, उसका छठा विचार वर्क्ड, काम किया, काम कर गया। हिज सिक्स्थ सेंस वर्क्ड, उसका छठा विचार काम कर गया। एंड और ही केम टू नो द रियलिटी, उसने आया टू नो, जानने,
द रियलिटी असलियत सच्चाई। एंड और ही केम टू नो द रियलिटी, उसने सच्चाई जानने आया। सो इसलिए ही कॉल्ड आउट टू द लाइन, उसने बुलाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आउट टू बाहर द लाइन सिर को फ्रॉम आउटसाइड बाहर से एंड और सैड कहा। सो इसलिए ही कॉल्ड आउट टू द लाइन फ्रॉम आउटसाइड एंड उसने बाहर से शेर को बुलाया फ्रॉम आउटसाइड बाहर से एंड और सैड कहा। बारह आया तो कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सर द लाइन रिप्लाइड, शेर उत्तर दिया। ये अ सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शेर उत्तर दिया आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, या आप कह सकते हैं मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। वेल मीन्स अच्छा, फीलिंग मीन्स महसूस करना, एट ऑल बिल्कुल। आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बट लेकिन वाई डोंट यू कम इनसाइड, क्यों। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर का सेंटेंस है, ठीक है। क्यों नहीं, आप डू और नॉट का कंट्रेक्शन है, इसे डोंट पढ़ा जाता है, ठीक है। वाई डोंट, क्यों नहीं यू आप कम आते हो इनसाइड अंदर, किसने तो शेर ने कहा लोमड़ी से। बट लेकिन वाई डोंट यू कम इनसाइड, आप क्यों नहीं अंदर आते हो। देन तब द फॉक्स रिप्लाइड, लोमड़ी उत्तर दिया। I would love to come in. मैं will का past would गागेगी, ठीक है। मैं पसंद करूँगा, पसंद करूँगा to come in, अंदर आना। In means अंदर। I would love to come in, मैं अंदर आना पसंद करूंगा सर। बट लेकिन ऑन सीइंग ऑल फुट प्रिंट्स गोइंग टू योर कैब एंड ऑन सीइंग देखता हूँ ऑल फुट सभी पैर के, ऑल फुट प्रिंट्स सभी पैर के चीन गोइंग टू जाने का, योर कैब आपके गुफा में एंड और नॉन कमिंग आउट, कोई नहीं, नॉन मीन्स कोई नहीं कमिंग आउट बाहर आया। बट लेकिन ऑन सीइंग देखता हूँ ऑल फुट प्रिंट्स गोइंग टू योर कैब एंड नॉन कमिंग आउट, सभी पैर के चिन्ह जाने का आपके गुफा में एंड और कोई नहीं बाहर आया। आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, मैं वुड बी फुलिश, बी मीन्स होना या फिर बनना, ठीक है। I would be foolish, मैं मूर्ख
बन जाऊंगा। इनअप टू कम इन, अंदर जाने के लिए पर्याप्त है। अंदर अंदर आने के लिए इनफ पर्याप्त है। आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, मैं मूर्ख बन जाऊंगा। अंदर आने के लिए पर्याप्त है। वो डर गया देख करके, जो पैर का निशान है वो जाने का गुफा में है लेकिन आने का नहीं है, तो वही कहा जी ये क्या है, ये चिन्ह देख करके मुझे पर्याप्त मात्रा में आइडिया लग गया जो मुझे जाना है अंदर या फिर नहीं जाना है। इस तरह से सेइंग सो, ऐसा कहते हुए कहते हुए द फॉक्स वेंट टू अलर्ट द अदर एनिमल्स। लोमड़ी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लोमड़ी गया अलर्ट द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को सतर्क करने। द फॉक्स वेंट टू अलर्ट द अदर एनिमल्स, लोमड़ी गया दूसरे जानवर को सतर्क करने। ऑलवेज कीप योर आइज ओपन, हमेशा कीप रखो अपना आंखें खोल खोल कर। एंड और स्टे अलर्ट, सतर्क रहो। बिफोर वॉकिंग इन एनी सिचुएशन, पहले चलने से, इन एनी सिचुएशन कोई स्थिति में। ऑलवेज कीप योर आइज ओपन एंड स्टे अलर्ट बिफोर वॉकिंग इन एनी सिचुएशन, हमेशा अपना आंखें खोल कर रखो और सतर्क रहो पहले कोई स्थिति में चलने से, कोई स्थिति में जाने से, चलने से पहले अपने आप को सतर्क करो। यही इस वीडियो से हमें सीख मिलती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।